इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे भोपाल से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस खास कार्यक्रम में, सुनिए। जैसे कोई व्यक्ति तैयार होकर निकले और हमारी संस्कृति ये आज्ञा चक्र में तिलक धारण कर दे, ऐसे हिंदी हमारे बिंदी का रूप लेकर के आनंद देते, हो सकती है किसी से तुलना नहीं हो सकती, और इतनी भली भी है, इतनी भोली भी है। बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को पचा रही, कोई बात नहीं, तुम भी बोलो बेटा, आ जाओ, जो दाल के प्रभाव में अपना आएगा हर रूप लेगी। मैं उम्मीद करता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देता हूँ, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री। आजादी के बाद बोला तो बहुत गया कि सभी भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए, सबको प्रोत्साहन देना चाहिए, सभी बोलियों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन भाषाओं का ध्यान रखने के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसके बलबूते पर हर भाषा में हमें इस बात की प्रसन्नता है। मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक ले रहा, ये हिंदी में मेडिकल की बात भी वहीं से, और हमने इंजीनियरिंग की, हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक ली, उसमें शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होता, और हमने कहा कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई जब रशियन वाले रशियन में डॉक्टर बनाते, जापान जापानी में बनाते हैं, हर देश अपने अपने बनाते हैं। ये 20-25 ओपनेस वाली मानसिकता के देश छोड़ दो, बाकी तो सब अपनी भाषा में सब करते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान की दया से अपने सामने और अभिता ही नहीं, अब तो तमिलनाडु, कन्नड़, कर्नाटक सारी भाषाओं में हमारे सारे पाठ्यक्रम का पढ़ाने का सिलेबस भी बन रहा है, पढ़ाने के मौके भी मिल रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाने का रास्ता है कि हम हिंदी लागू कर देंगे, हिंदी को प्राधान्यता दे देंगे। कहां प्राधान्यता देते, कोई प्राधान्यता नहीं देंगे। अरे हिंदी तो बिचारी अपने रास्ते निकालते कैसे भी, कोई अमिताभ बच्चन के डायलॉग से निकल के आ गए, प्रयास हुए बहुत सारे रिश्ते हुए होंगे, लेकिन अच्छे लता मंगेशकर ने अपने से जो गीत दिए वो अमर हो गए। कोई भी भाषा वाला जब सुनता रह जाता है, ये जो अपना अंदर का अंदर ही, जो मैंने बताया कि सबकी नानी माँ बहुत अच्छी है, तो नानी माँ संस्कृत है, वो हमारे लिए आनंद देती है, वो हमको सबको होती है। मेरी अपनी ओर से आज एक विषय खड़ा हुआ, 2-3 दिन में चलो मीडिया के मित्र आपके सामने भी आपके लाइन में बोली देता हूँ। अभी 2-4-5 दिन से रोज नाटक चल रहा है कि हम अपने पाठ्यक्रम में ये ला रहे हैं, इन लेखों को ला रहे हैं, उस लेखों को ला रहे हैं। अरे भैया, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हमने तो उदारता पूर्वक अभी पाठ्यक्रम का तो बनना ही नहीं कोर्स, अभी वो कोर्स तो बनना बाकी है, उसकी अपनी कमेटी है, उसका अध्ययन मंडल है, वो फाइनल करेगा। लेकिन ये जरूर कहा है कि हर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो बनाया है 55 जिलों के अंदर, वहां हमने सबको लाइब्रेरी बनाई, और लाइब्रेरी में हमने कहा कोई भी विचारवान लेखक होगा उसकी सबकी पुस्तकें वहां रखी जाए। अब पुस्तकें रखने को क्या है, पुस्तकें तो रखना पड़ेगी, और पुस्तक रखने में वो राष्ट्रीय समिति होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका अपनी पुस्तक, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ो। ज्ञान तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये दसों दिशा से आना चाहिए, सदैव विचारों के प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए। भारत की विशेषता ही है, भारत आगे बढ़ने का कारण ही है कि इसने अपने लाइन सर्वे भवन्तु सुखिनाम, तो सबके लिए सोच के चलने वाले, और दसों दिशा से जो विचार आते हैं उन विचारों के बलबूते पर हमारे अपने मूल विचार को हम भूले नहीं, सबको देखे समय के साथ काल प्रवाह में अगर लगता है तो कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वाचनालय ग्रंथालय ये तो होते ही सीधी, इसमें सभी प्रकार की होती है। अभी परंपरा थोड़ी कम हो गई थी कि लाइब्रेरी अपने महाविद्यालय में कम हो गई थी, तो हमने कहा नहीं, हमारी लाइब्रेरी में ग्रंथालय में सब प्रकार के कोर्स होना चाहिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज बदलते दौर में सबरे लाइब्रेरी ग्रंथालय ने अपना अलग मुकाम हासिल किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ अभी अब ये फेलोशिप वगैरह देते कि नहीं देते, रिसर्च होता कि नहीं होता है, नहीं हमारे इस संस्थान के द्वारा होता कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आगे चल करके ये खुद अपनी इन सभी भाषाओं के लिए रिसर्च का केंद्र बने, मैं शुभकामना देता हूँ। अच्छा काम कर दो तो फिर मेरे से भी लगता है कि थोड़ा आता, मैं विक्रमादित्य की धरती से आता हूँ, तो भगवान ने महाकाल की धरती से कुछ संदेश भी देते हैं कि अच्छा काम हो तो उसको बढ़ाते भी देना पड़ता है।
तो एक पांव जब आगे रखना होता है पीछे उठा के और आगे बढ़ने के लिए लंबा चलना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा 10 लाख रुपए का अनुदान मिलता है आपको 20 लाख। ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे थे, कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शिरकत करने पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं और बीजापुर का जिक्र करते हैं। हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है, सर्विस राइफल से थाना परिसर में खुद को गोली मार ली। भैरमगढ़ अस्पताल ले जाते समय हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। भैरमगढ़ थाने में तैनात था हेड कांस्टेबल, बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने पुष्टि की है। तो हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार करके जीवन लीला समाप्त कर ली। ज्यादा जानकारी लेंगे, सतीश चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या है मामला, बताइए। जी आपको बता दूं कि ये पूरी जो घटना है बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाने की घटना है। आज सुबह ही बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल सोनू हक का नाम है, उसने अपने सर्विस राइफल से आत्महत्या कर दी गोली मारकर, और जैसे ही वो उस घायल अवस्था में अस्पताल लाए गए जहां उन्होंने दम तोड़ दिया गया। हालांकि अभी तक खुदकुशी का कारण पता नहीं चला है। अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की विवेचना कर रही है, जैसी जानकारी सामने आएगी तो साझा की जाएगी। कुछ कहा जा रहा है अभी तक शुरुआती जांच या पूछताछ में कि किसी तनाव में वो था, किसी परेशानी में था या कोई उसे टॉर्चर कर रहा था, ऐसा कुछ या पारिवारिक कुछ परेशानी? अभी तक ये सब की किसी की जानकारी जो है अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अधिकांश इन इलाकों में खुदकुशी घटनाएं आती है जिसमें मानसिक स्थिति या पारिवारिक कारण दो ही चीजें सामने आती है। हालांकि अभी जांच का विषय है, एसपी ने टीम भेजी है, जैसी जांच करके जो परिणाम सामने आएंगे तो अधिकारी द्वारा बताए जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे कुछ खबरें सुपर फास्ट अंदाज में।